वर्क डन बाय वेक्टर एफ। डीएस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Displacement of the point of application of force. ठीक है बेटे, किसी भी फोर्स का वर्क आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये देखना होगा वो फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रॉड को हिंज कर दिया, a rod has been hinged like this, और इसको हम वर्टिकल के रेस्पेक्ट में किसी एंगल से डिस्प्लेस करते हैं और वहां से रिलीज कर देते हैं। ये रॉड स्विंग करती हुई आगे जाती है, पीछे आती है। हमसे पूछा जाए व्हाट इज वर्क डन बाय हिंज फोर्स ऑन द रॉड, तो इसका क्या जवाब होगा? What is work done by hinge force on the rod? कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो भाई, किस किस को आता था वर्क पावर एनर्जी? ओम जीरो ना सर। जीरो, यस जीरो इज करेक्ट। क्यों, क्या लॉजिक है? परपेंडिकुलर। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, भाई क्योंकि देखो ये रॉड है, आपने ऐसे मूव किया है तो हिंज फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है अपर एंड पे, क्या अपर एंड का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि वर्क डन जीरो। व्हाई? बिकॉज displacement of point of application of hinge force के point of application का displacement क्योंकि zero है बेटा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ओके, एक एथलीट, ठीक है, और ये
starts from rest and attains maximum speed. What is work done by? Friction on the athlete during the time it accelerates from rest to speed V naught. इसका मास m मान लो. जीरो होगा ना? जीरो होगा क्या? क्या भाई जीरो क्या होगा? सब कांटेक्ट में नहीं है हर समय, लेकिन कभी तो है ना कांटेक्ट में. हाँ, फेम वी नॉट स्क्वायर. का भी आंसर होगा जीरो. भाई देखो, हमारी चलने की प्रक्रिया कैसी होती है. जैसे ये दो पैर है हमारे, है ना, तो क्या होता है, एक पैर तो उठ जाता है जमीन से, दूसरे पैर जो है वो जमीन पे टिका रहता है, और उससे अपन क्या करते हैं, जमीन को पीछे पुश करते हैं, और एक पैर जो जब हवा में आ गया वो उठ गया. तो देखो, जो पैर जमीन पे टिका हुआ है आपका, बिल्कुल उसका वो जो कांटेक्ट पॉइंट है जमीन के साथ, क्या वो हिलता है क्या जमीन पे से? नहीं, वो नहीं हिलता. कौन सा पैर हिलता है, आगे बढ़ता है, जिस जो कि जमीन के कॉन्टेक्ट में नहीं है, ना? तो जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा ना. दूसरे वाले पैर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो आगे बढ़ा, फिर आगे वाला पैर को हम जमा लेते हैं, पीछे वाले पैर को उठा करके फिर आगे लेकर के जाते हैं. क्या इस तरह से चलते हैं बच्चों? तो हम क्या बोल सकते हैं, द फुट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड That does not get displaced, and friction तो उसी foot पे लगता. Friction acts on the foot, which is in contact with the ground. And the foot in contact with the ground does not get displaced. So F dot ds होता है. ds किसका displacement लेते हैं बेटे? Point of application of force का displacement लेते हैं, और point of application of force तो move नहीं कर रहा है, इसलिए work done कितना हो जाएगा? Zero. क्या ये चीज समझ में आती है? हाँ सर.
तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि एक चेन है, जो कि क्या कर रही है? वर्टिकली हैंग कर रही है। इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, ठीक है? कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली लिफ्टिंग अप द चेन। एंड प्लेस इट अप ऑन द टेबल। स्लोली लिफ्टिंग द चेन एंड प्लेस इट अप ऑन द टेबल। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क इस चेन पे करना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और हमें दिया हुआ है कि ये टेबल स्मूथ है, कैसे पता करेंगे बच्चों इसको? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको? देखो आप ऐसे इमेजिन करो आपने क्या किया, एक छोटा सा मतलब पहला लिंक आप लेकर के आए और आपने इस टेबल के ऊपर रखा, जस्ट द फर्स्ट लिंक। सर एक क्लिक, हाँ बेटे बोलो। सर एक काम है, एक कम है? अरे ठीक है, गिन मत यार, रफली बनाया है मैंने, है ना, गिन गिन के नहीं बना। ठीक है, अब उसके बाद क्या, इस समय पर आप इस पर पूरा का पूरा वेट ऑलमोस्ट इधर ही है ना, तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा क्या वो सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा क्या शुरू शुरू में? फिर मान लो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट और हो गया तो
आपका फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा क्या? बोलिए बच्चों। और लिंक ऊपर आके रख गए, तो जैसे जैसे मोर एंड मोर लिंक विल बी प्लेस्ड ऑन द टेबल, द फर्दर अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू नीड टू अप्लाई विल डिक्रीज, कैसा बोल सकते हैं अपन? आगे जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो कम होता चला जाए। हम मान लेते हैं कि हम उस समय पर फोर्स निकालते हैं जब मैंने x लेंथ जो है वो टेबल पे रख चुका हूं और l माइनस x लेंथ अभी भी वर्टिकली हैंग कर रहा, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन x लेंथ ऑफ द चेन इज ऑन द टेबल at an instant when x length of the chain is on the table, जो force आपको लगाना पड़ रहा है वो कितना लगाना पड़ रहा है, m by l into l minus x into g, इतने part के weight के बराबर ही force लगाना पड़ रहा है। जो horizontal हिस्सा हो गया है वो तो already normal force से balance हो गया है, क्यों? तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो पार्ट अभी इस समय पे हैंग कर रहा है उसके वेट के बराबर का फोर्स लगाना पड़ रहा है, और जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका वेट कितना है, m by l into l minus x into g। तो ये फोर्स वेरिएबल आ गया, जैसे जैसे x बढ़ रहा है फोर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, क्या इंटीग्रल f dx के बराबर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एम जी बाई एल इंटू इंटीग्रल ऑफ एल माइनस एक्स। क्या बोल रहे हैं बेटे? स्क्रीन मूव नहीं कर रही है सर। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? हाँ सर। और x की वैल्यू को जीरो से l तक इंटीग्रेट कर दें, x की वैल्यू को जीरो से l तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, m g by l इंटीग्रेशन ऑफ एल डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अगेन फ्रॉम जीरो टू एल। तो अल्टीमेटली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई एल इंटू एल बाहर आता है, इंटीग्रल डी एक्स बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट डालोगे तो l हो जाए, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर यहाँ आ जाए, तो ये आ जाएगा एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई
तो ये वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाय टू, दैट इज एम जी एल बाई टू। क्या ये बात सुनना आती है? हाँ सर। ये इतना वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमें क्या है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि साहब क्या है आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू ही वर्क को कैलकुलेट करेंगे, है ना। लेकिन इसमें देखो एक बड़ा स्पेशल और इंटरेस्टिंग केस बनता है। जैसे कोई हमसे यूं कहे कि भाई मान लो हमने क्या किया, ग्राउंड सरफेस से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया कुछ यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा, और वो क्या करता है इट लैंड्स ऑन अ टावर, एक टावर पे लैंड करता है सच दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच। अब हमें कैलकुलेट इसका मास एम मान लेते हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट फाइंड वर्क डन बाय एम जी ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द पार्टिकल। नीचे से लेकर के ऊपर तक गया है ये, तो इस दौरान ग्रेविटी का वर्क इस पे कितना हुआ है ये हमें पता करना। इट मूव्स फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द टॉप ऑफ द टावर, टोटल जर्नी में ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ। बोलिए बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? MGH? नहीं, मतलब आधा सही है तुम्हारा, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत गलत है। माइनस MGH।
माइनस एम जी एच, बिल्कुल सही। ये कौन बोला? बिल्कुल सही। देखो बेटा, माइनस प्लस तो बहुत बड़ा चक्कर है ना, माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लस एम जी एच का तो अर्थ का बिल्कुल अनर्थ हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें बात क्या है बेटे, कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता रहा, एम जी क्यों बेटे? हाँ सर, लेकिन जो डीएस वेक्टर है वो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन लगातार बदलती रही है ना? डीएस वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ही तो होती, क्या उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रही है? अब यूं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस, एफ डॉट डीएस का मतलब होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब यहां तो देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो तो लगातार बदलता जा रहा है कि नहीं बदलता जा रहा है बच्चा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लगातार बदलता जा रहा है। तो देखो क्या है, ऐसे अगर हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप इसी एक्सप्रेशन को समझ के करो तो क्या इसको हम फोर्स वेक्टर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डीएस वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं? भाई बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएस का मतलब है क्या आखिरकार? एफ वन डॉट डीएस वन, एफ टू डॉट डीएस टू, है ना? ये डीएस वन डीएस टू इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन बदल गई तो वेक्टर बदल गया। क्या यही तो अपने को एडिशन करना है इस इंटीग्रेशन का मतलब? अब अगर F1, F2, F3 सारे बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, F dot ds1 plus F dot ds2 plus F dot ds3, क्या इस तरह से एडिशन हो जाएगा? एंड सो यहां से F वेक्टर अगर मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, F वेक्टर dot ds1 वेक्टर प्लस ds2 वेक्टर अप टू dsn। ये जो छोटे 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 दिखाई दे रहे हैं इनका सबका वेक्टर एडिशन, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का सबका वेक्टर एडिशन कर दोगे तो क्या आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऐसा वेक्टर मिल जाएगा? क्यों बेटा? ये s वेक्टर, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ds वेक्टर। क्या इसको हम f डॉट s ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए। हाँ सर,
मतलब बीच भी अगर आपका फोर्स कांस्टेंट है, इनके इसके इस पूरे डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि इफ वेक्टर एफ इज कांस्टेंट देन वर्क डन बाय इट depends only on the net displacement. Net displacement पे ही उसका work depend करे. Its work will depend only on the net displacement. क्या ये बात समझ में आती है? मतलब वो जो बीच बीच में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदलती जा रही है ना, उसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हो. एंड ऑल यू कैन डू इज एफ डॉट वॉट एवर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज. बट दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर विच काइंड ऑफ फोर्सेस? कॉन्स्टेंट फोर्सेस के लिए ही ये टेक्निक आप लागू कर सकते हैं. अच्छा, इसको ऐसे लिखने में तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन एफ डॉट एस को आप ऐसे लिख दीजिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फोर्स और फाइनल डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल. मतलब आपने क्या करना है, जैसे इस पर्टिकुलर केस की ही अगर मैं बात करूं, पार्टिकल इधर से स्टार्ट किया और लैंड कर गया यहां पर, तो क्या है आपको सिर्फ क्या करना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखना है. जी फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो ये आ जाएगा और फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट और इस ये जो एंगल बन रहा है इसके कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा. अब देखो हम ऐसा करते हैं कि इस एंगल को थोड़ी देर के लिए फाई मान लेते हैं, तो ये जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, मतलब इनफैक्ट आप कभी भी देखो कोई भी दो वेक्टर इस तरह से अगर लगे हुए हैं, थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, तो ये जो मॉड एस कॉस थीटा है, क्या इसको आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? इसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब या कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अब इसके हम क्या करें, ये फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लें ऐसा, तो एक कंपोनेंट ये ऊपर आ जाए, ठीक है, जो कि किसके बराबर आ रहा है, उसका हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर आ रहा है, लेकिन वो फोर्स के अपोजिट में आ रहा, इसलिए वर्क डन को क्या लिख देंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया mg, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को लिख देंगे माइनस h, तो वर्क डन माइनस mgh आ गया सीधे सीधे. सर फोर्स माइनस mg नहीं लेंगे? भाई देखो आपको एक माइनस लगाना है दोनों में से, अब या तो उस माइनस को फोर्स में लगा दो या उसको डिस्प्लेसमेंट में लगा दो. अगर फोर्स को माइनस एम जी ले रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट को फिर प्लस एच ले लेना. भाई साइन कन्वेंशन तो कुछ एक ही मानोगे ना बेटे, अभी मैंने क्या कर दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो गई. तुम फोर्स को माइनस एमजी अगर लिख रहे हो तो तुमने सबकॉन्शियसली ये मान लिया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो उसको पॉजिटिव लिख दो, समझ रहे हैं? और एज पर दिस एक्सप्रेशन अगर आप स्ट्रिक्टली इस एक्सप्रेशन से चल रहे हो, तब तो क्या है, फोर्स का तो मैग्नीट्यूड ही लेना है ना आपको, तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ एमजी ही है,
कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे ही होता तो उसको मैं पॉजिटिव ले लेता, फोर्स की डायरेक्शन में ही होता तो उसको पॉजिटिव ले लेता। समझ में आ रही बात? हाँ सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमसे कहें कि साहब एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और वापस ग्राउंड पे आ गए। हाँ बोलो बेटे। सर वो ऊपर वाला एक बार वापस से बता सकते हो क्या, वो कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया उधर। अच्छा भाई देखो, कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट आपका इधर आ गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके कंपोनेंट लेने हैं इस mg की डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट लेना, ठीक है, इधर आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या कहोगे, भाई डिस्प्लेसमेंट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेता हूं, तो एक कंपोनेंट ऐसा आ जाएगा वर्टिकल वाला और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल तो अपन लेंगे नहीं, वर्टिकल वाला ही लेंगे, लेकिन वर्टिकल वाला भी क्या हो रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए उसको नेगेटिव काउंट करेंगे। जब आप कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करने जाओ तो क्या करो, जो भी लाइन ऑफ फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो ले लो। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में ही आ जाता तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते। मतलब समझो कि अगर मान लो फोर्स इधर लग रहा है और किसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ जाए, तो अब जब डिस्प्लेसमेंट को आप रिजोल्व करोगे तो एक कंपोनेंट वर्टिकल ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला तो लेना नहीं है और वर्टिकल वाला फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। हाँ सर समझ। अब जैसे ये सिचुएशन है, एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया पॉइंट ए से और वो पॉइंट बी पे जाकर के लैंड करता। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड इट लैंड्स एट पॉइंट बी। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस पार्टिकल। कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस पार्टिकल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? जीरो। जीरो होगा क्या? क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नेट तो जीरो है और हॉरिजॉन्टल तो मैटर नहीं करेगा ना। बिल्कुल सही है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, पूरा ए से बी तक अगर निकाले हम तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मान लो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऐसे एक सर्कुलर आर्क पे मूव करवाया, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और आर रेडियस के आर्क में हमने मूव करवाया, such that this angle is 60 m mass का particle। हमें calculate करना है, calculate work done by gravity on the particle when it moves from A to B।
when it moves from A to B. Minus mgr by 2. माइनस एम जी आर बाई टू, बिल्कुल सही। माइनस एम जी आर बाई टू, यस दैट इज करेक्ट। भाई देखो, भाई क्या है, ये पार्टिकल ए से बी पॉइंट तक गया है। कहां से कहां तक गया है? ए से बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका इतना हुआ है, लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट पता करना है उसका? सिर्फ ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट पता करना है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट भी डिस्प्ले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब हम लिख रहे हैं, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, है ना? और कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है उसका? देखो, ये आर है, ये 60 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस 60 डिग्री, और ये पूरी नीचे तक डिस्टेंस है आर। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू आर माइनस आर कॉस 60 डिग्री आ जाएगी, आर माइनस आर कॉस 60 डिग्री। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस 60, क्या ये माइनस एम जी आर बाई टू के बराबर आ जाएगा? समझे सर? ओके, वर्क डन जीरो क्यों हुआ एक बार बताएंगे क्या प्लीज? किधर, कौन से वाले क्वेश्चन में जीरो हुआ बेटे? ये इसके जस्ट ऊपर वाला, इधर वाला, भाई इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ ऑब्जेक्ट का? इस डायरेक्शन में हुआ ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ। तो इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो ही आता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, उसके खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका कंपोनेंट कितना आ रहा है? जीरो ही आएगा।
नेक्स्ट पेज पे चले बच्चों। हाँ सर। अच्छा जैसे वो जो हमने वो स्विंग वाला क्वेश्चन किया था, तो एम मास का पार्टिकल है, स्ट्रिंग से बना हुआ है और ये थीटा नॉट एंगल से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचता है, ऐसे 0 डिग्री एंगल तक पहुंचता है। मान लो ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, ये पार्टिकल का मास एम है, स्ट्रिंग मासलेस है। मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड बाय टेंशन फोर्स। During the motion of particle from A to B. During the motion of particle from A to B. सर ग्रेविटी वाला MgL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और टेंशन वाला 0। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो क्या होगा, देखो ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो फॉर ग्रेविटी आप क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, यदि आप देखो तो क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैं इतना ही लिख सकता हूं, बोलिए बच्चों क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इतना ही लिख सकते हो? अब ये कैसे निकालेंगे, देखो पूरे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बी पॉइंट तक की टोटल लेंथ अगर आप निकालोगे तो वो एल आएगी, ये वाली लेंथ भी एल है, तो इधर जो लेंथ आ रही है वो आ जाएगी एल कॉस थीटा नॉट, और ये पूरी लेंथ आ रही है एल, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट, तो एम जी इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट या एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर टेंशन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है
तो क्या है, टेंशन तो कांस्टेंट फोर्स तो नहीं है, इट इज अ वेरिएबल फोर्स, तो उसका वर्क इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस के फॉर्मूले से करना पड़ेगा आपने। लेकिन आप एक बात समझिए, टेंशन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एट एवरी इंस्टेंट टेंशन वेक्टर एंड डीएस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? टेंशन वेक्टर्स एंड डीएस वेक्टर्स आर व्हाट? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच। क्यों बेटे? टेंशन वेक्टर्स एंड डीएस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या ये हमेशा ये टी डीएस कॉस 90 डिग्री आएगा? तो क्या वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो जाएगा बच्चों? क्या ये बात समझ में आती? ऐसे कई सारे एग्जांपल्स रहेंगे। मान लो कोई ऐसी कर्व्ड सरफेस है ना, ऐसा कोई कर्व्ड स्मूथ ट्रैक, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक का मास एम है, यहां से एच हाइट से हमने क्या किया, इस ब्लॉक को रिलीज किया। तो हमें कैलकुलेट करना है एन नॉर्मल फोर्स बाय द टाइम ब्लॉक डिसेंड्स डाउन द कर्व्ड सरफेस। बाय द टाइम ब्लॉक डिसेंड्स डाउन द कर्व्ड सरफेस, तो कैसे लिखेंगे? MGH और जीरो। MGH एंड जीरो, यस बिल्कुल सही, MGH एंड जीरो। भाई ग्रेविटी का वर्क, तो ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो आप एफ डॉट एस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो सिंपली हो जाएगा एम जी एच। लेकिन जब नॉर्मल का वर्क देखने जाओगे तो हमेशा नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री ही रहेगा, इसलिए वर्क डन कितना आ जाएगा? भाई नॉर्मल फोर्स का तो नाम ही नॉर्मल फोर्स है ना, उसका नाम नॉर्मल क्यों रखा है तुमने? क्यों रखा है भाई? क्योंकि वो जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता और डिस्प्लेसमेंट सरफेस के अलोंग होता है।
डिस्प्लेसमेंट सरफेस के अलोंग होता, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, डीएस वेक्टर भी अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, लेकिन हर इंस्टेंट पर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने रहे। क्यों बेटे? हर इंस्टेंट पे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बने रहेंगे, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आ जाएगा, जीरो। क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? हाँ सर। ओके, बिल्कुल सही बात। नॉर्मल की एक डेफिनेशन क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो फोर्स आ जाते हैं, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट। तो बाई डेफिनेशन ही वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। वर्क डन बाई नॉर्मल जीरो होगा। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है वो आता है किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल का मतलब क्या है, इंटरनल एज वेल एज कैसे बच्चों, एक्सटर्नल। सारे फोर्सेस का वर्क अगर आप काउंट कर लो तो वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। सर इंटर क्या इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है बच्चों? अगर बॉडी में चेंज नहीं है तो फिर नहीं, हमेशा जीरो होता है। इंटरनल फोर्सेस का वर्क तो हमेशा जीरो ही होगा ना, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लो ए और बी का एक सिस्टम है आपके पास, तो इंटरनल फोर्स किसे कहेंगे हम, जो बी ने ए पे लगाया और जो ए ने बी पे लगाया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टम के इंटरनल फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी विल बी नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, तो देयरफॉर देयर सम इज ऑलवेज गोइंग टू कम आउट टू बी जीरो। ध्यान दो, इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस का नेटवर्क जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो हो। नोट दैट, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। बट टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस मे नॉट बी जीरो। जीरो हो ऐसी आवश्यकता नहीं। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? जैसे आप देखो, एक पार्टिकल का मास m1 है, दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, ये दोनों एक दूसरे पर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, क्या बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर? हाँ सर। M1 वाले पे लगेगा राइट साइड में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर मैग्नेट्यूड का, और इस पे लगेगा लेफ्ट साइड में वो भी जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर मैग्नेट्यूड। क्या ये दोनों फोर्सेस का सम मिला के जीरो है क्या? हाँ सर।
इनका सम मिला करके जीरो है। लेकिन मान लो इन पार्टिकल को अगर अपन फ्री छोड़ दें तो ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। Yes, थोड़ी देर के बाद इनके बीच की डिस्टेंस आर डैश रह गई, फिर और पास आ गए, डिस्टेंस आर डबल डैश रह गई। धीरे धीरे इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। क्या M1 पे लगने वाले फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटे? M1 पे लगने वाले फोर्स का वर्क विल इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। अरे नेगेटिव कौन बोल रहा है भाई, नेगेटिव कैसे होगा यार? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 नेगेटिव कैसे होगा? हाँ सर, सॉरी सॉरी, यार फोर्स इनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इनवर्ड हो रहा है, तो वर्क डन ऑन M1 इज पॉजिटिव। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। M2 पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। इट विल आल्सो बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो इन्होंने एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, क्या उसको मैं इंटरनल फोर्स बोल सकता हूं क्या? सो वर्क डन बाय इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सिस्टम, क्या ये जीरो आ गया क्या बेटा? नहीं आया। कैसा आ गया? पॉजिटिव वर्क आ गया कि नहीं आ गया? पॉजिटिव वर्क आ गया है ना। टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स सिस्टम पे कितना लगा? जीरो। लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना आया? नॉन जीरो। ऐसा हो सकता है, इंटरनल फोर्सेस का सम तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन उनका वर्क जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, वर्क तो नॉन जीरो भी आ सकता है बच्चों, ठीक है? Note that sum of internal forces is always zero, but total work done by internal forces may not be. हाँ, कभी कभी हो सकता है कि internal forces का work zero आ जाए, लेकिन वो एक हमेशा true रहने वाली condition नहीं है। तो बात क्या है कि while you are applying this work energy theorem on a system, generally we have a tendency to neglect इंटरनल फोर्सेस, बट इन केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनल फोर्सेस का वर्क भी काउंट करना पड़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर, वर्क डन बाय ऑल में हमको सूडो फोर्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा? यस। अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ करके ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नॉन इनर्शियल फ्रेम से निकाली, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नॉन इनर्शियल फ्रेम से निकाली, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हो तो आपको सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, और यदि कोई वर्क कर रहा है वो तो उसको भी आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा, है ना? ये थ्योरम एप्लीकेबल है फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आल्सो। Provided work done by pseudo forces is also taken. समझ में आती बात बेटे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक्सेलरेटिंग, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। एनी फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम।
जैसे आप एक एलिवेटर में बैठे हो, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब तो इनर्शियल ही होगा, लेकिन अगर एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है तो उस एलिवेटर को हम क्या नाम देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम, फिर हम उस एक्सेलरेटर को नाम देंगे बच्चों, ठीक है? एनी फ्रेम विच इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो जैसे एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ये कोई एलिवेटर है बेटे, और इस एलिवेटर में हमने क्या किया है, एक रस्सी की मदद से एम मास का ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है एट टी इक्वल टू जीरो। एलिवेटर हैज जीरो वेलोसिटी बट इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है? हमें क्या करना है, वेरीफाई वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द ब्लॉक फॉर फर्स्ट टी सेकेंड्स with respect to an observer on ground और दूसरा with respect to an observer in the elevator with respect to an observer on ground with respect to an observer in the elevator तो देखो बेटे वेरिफिकेशन का मतलब हमारा क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज अलग से कैलकुलेट कर लें, वर्क डन अलग से कैलकुलेट कर लें, और फिर देखें कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है। तो पहला हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी u प्लस at के हिसाब से at आ जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। अब इसमें टेंशन फोर्स की बात अगर मैं करूं तो क्या आएगा, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टेंशन की वैल्यू कितनी लग रही है बेटे, एम जी प्लस एम ए, इतना टेंशन हो रहा है। पहले टी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अगर आप निकालोगे तो उसमें ग्राउंड के फ्रेम से तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, टेंशन और एमजी। टेंशन का वर्क कितना हो जाएगा, जो भी टेंशन लग रहा है एमजी प्लस एमए ऊपर लग रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ग्रेविटी का वर्क कैसे हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो माइनस एम जी इंटू हाफ ए टी स्क्वायर कर देते हैं। एम जी हाफ ए टी स्क्वायर से माइनस एम जी हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इतना आ रहा है, ये वर्क डन जो है ये अर्थ के फ्रेम में आया है वर्क डन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इतनी आई है कि नहीं आई, तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम का वेरिफिकेशन हो गया एक तरीके से, जो अर्थ के फ्रेम में सारे फोर्सेस का वर्क आ रहा है ब्लॉक पे वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है। अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर अगर अपन बात करते हैं,
तो क्या होगा बच्चों? भाई उस केस में टेंशन ऊपर लगाएंगे, एम जी नीचे लगेगा और सूडो फोर्स एम ए भी नीचे लगेगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा ब्लॉक का? व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बच्चों? जो आदमी लिफ्ट में बैठ जाएगा उसको ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? बोलिए। जी प्लस ए का मान जीरो। क्या एक्सेलरेशन उसको जीरो दिखाई देना चाहिए? भाई उसको तो ब्लॉक सिर्फ रुका हुआ ही दिखाई देगा ना यार। उसको तो ब्लॉक क्या होगा, रुका हुआ ही दिखाई देगा। उसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक की पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, तो उसको तो ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो दिखाई दे रही है। क्या ये माइनस के? हाँ सर। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो आएगी। अब हम क्या करें, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस भी क्या जीरो ही आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर? व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इज जीरो। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना सर, तो टेंशन, भाई जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन तो जीरो ही आएगा फोर्सेस का कि नहीं आएगा? हाँ सर। तो देखो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप किसी भी फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, अर्थ के फ्रेम में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हो उसको, आप इनर्शियल फ्रेम में भी बैठ के अप्लाई कर सकते हो, नॉन इनर्शियल में भी अप्लाई कर सकते हो। दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या बच्चों, अगर आप एक सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंटरनल फोर्सेस का वर्क के बारे में भी विचार करना चाहिए, है ना? अगर आपने इग्नोर ही कर दिया पूरी तरीके से तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। दूसरा, अगर आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई कर रहे हो तो क्या है, आपको सूडो फोर्स का वर्क भी इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूं, बताओ वो सही है या नहीं। वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। This is true. Hey, अभी हमने देखा है ग्रेविटी का वर्क आप ग्राउंड पे बैठ के निकाल रहे थे तो नेगेटिव आ रहा था, और लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के निकाल रहे हो तो जीरो आ रहा। टेंशन का फोर्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आ रहा था, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में टेंशन का वर्क जीरो आ गया, है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अगला लिखता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। Is this true or false? False.
फॉल्स ये कैसा है दिस इज के बात समझ में आती है हाँ सर सर हुँ. आपने वो इनर्शियल वाले के टाइम क्या बोला था जैसे आपने बोला ना नॉन इनर्शियल में ये हम लोग सूडो फोर्स को भी कैलकुलेट करते हैं वैसे इनर्शियल में क्या करते हैं इनर्शियल में तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना अपने ओके सर इनर्शियल मतलब इनर्शियल फ्रेम से अगर आप देख रहे हो अर्थ से देख रहे हो तो आपको सूडो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना ठीक है बच्चों अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसको लेट्स मीट आफ्टर 15 मिनट्स देखिए हमने जो वर्क डन के बारे में अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में देखा था उसमें एक इंपॉर्टेंट कड़ी और है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज आल्सो अ वेरिएबल फोर्स जिसको हम माइनस के एक्स से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल तो ये आ जाएगा माइनस के बाय टू एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल और ये आपके पास आ जाएगा k by 2 into x initial square minus x final जहाँ पे x initial and x final क्या हैं x initial and x final are initial and final deformations in the spring. Initial and final deformations in the spring. Deformation का मतलब compression or elongation. कंप्रेशन भी हो सकता है ये इलोंगेशन भी हो सकता है ठीक है ये जो वर्क होता है दिस इज टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग से हमारा क्या मतलब है Work done by spring on both its ends. दोनों ends पे किया हुआ वर्क मतलब क्या है देखो देखो ये मान लो एक फिक्स्ड दीवार है ये ग्राउंड सरफेस है ये स्मूथ है और
स्प्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ, ठीक है। अभी स्प्रिंग मान लीजिए अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, और इस ब्लॉक को मैं एक्स अमाउंट का डिस्प्लेस करता हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा ड्यूरिंग दिस, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा बेटे, हाफ के इनटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल। तो एक्स इनिशियल कितना है, दैट इज जीरो, इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन नहीं, फाइनल एक्स हो गया। तो क्या ये वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाए। अब देखो ये टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग है, लेकिन क्या स्प्रिंग वॉल पे कोई वर्क करेगी इस केस में? देखो फोर्स तो लगाएगी वॉल पे, लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द वॉल विल बी जीरो, क्योंकि वॉल का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो पूरा वर्क हुआ है ये पूरा का पूरा इस ब्लॉक पे ही हुआ है। इसको हम वर्क डन बाय स्प्रिंग कहें या वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक कहें, वो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन उसकी जगह मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती कि ये दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, एक मासलेस स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, और लेंथ जो है वो कितनी है इसकी, लेंथ इज एल नॉट प्लस एक्स। तो हमें क्या करना है बेटे, कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक्स ए एंड बी, ये पूछा। ए और बी ब्लॉक्स पे वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा? तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों?
क्या आंसर आएगा बच्चों? टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे लिखेंगे बताइए? वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल तो एक्स है, एक्स फाइनल तो जीरो है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स। अच्छा अब इस केस में बताओ क्या ऐसा होगा क्या कि ये वर्क सिर्फ ए पे हो रहा है या सिर्फ बी पे हो रहा है, या इसका कुछ पार्ट ए पे होगा कुछ पार्ट बी पे होगा? कुछ पार्ट ए पे कुछ पार्ट बी पे। कुछ ए पर कुछ बी पे होगा, दोनों पे वर्क हो रहा है मतलब, है ना? ये बेसिकली क्या है, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन बी है। एंड बाय सिमेट्री क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों पे वर्क बराबर ही होगा? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ए कितना हो जाएगा? वन बाय फोर के एक्स। सर पर मासेस अलग रहते तो? मासेस अगर अलग होते बेटे तो फिर हमें क्या है वो सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ समझा, है ना, सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती। देखो बेसिकली क्या है, फोर्स तो दोनों पे सेम ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता फिर उस केस में अगर मास अलग अलग होते, है ना? तो फिर टोटल वर्क अभी भी हाफ के एक्स स्क्वायर ही आता, लेकिन उसका कितना हिस्सा ए पे होता कितना बी पे होता ये कैलकुलेशन करने के लिए फिर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी लगाते। बेसिकली हम ये लिखते कि भाई इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट इतना इतना हुआ है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है, जीरो रहे। हाँ तो एम वन एक्स वन माइनस एम टू एक्स टू इक्वल टू जीरो करके करते हैं, वो अभी अपन सीख लेंगे जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड है वो ये है कि जब हम स्प्रिंग के वर्क डन का ये फॉर्मूला लिखते हैं तो ये क्या होता है बेटे, क्या होता है ये? दिस इज टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन बोथ इट्स एंड्स, दोनों एंड्स पे मिला के इतना वर्क होता है। This is total work done by spring on both its ends. क्या बात समझ में आती है? हाँ सर। सर हाँ बोलिए सर, आपने वो By default, x by 2, x by 2 distance कैसे assume कर लिया? भाई symmetry है ना, इन दोनों में अंतर क्या है एक बार बताओ तो। नहीं सर, अगर कुछ नहीं दिया तो वही करेंगे ना, symmetrically assume करेंगे ना। मतलब अगर इनके masses अलग अलग देते हमको तो of course अलग, फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमने symmetry की वजह से ही कर पाए हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। देखो मान लो हमसे कहा जाए कि क्या है,
दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ रॉड और इस रॉड के अंदर हमने एक रिंग डाला हुआ है और रिंग जो है वो स्प्रिंग के एक एंड से हमने सस्पेंड उसको अटैच किया हुआ है। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस मुझे दी गई है ये है 20 सेंटीमीटर और ये एंगल मेरे को दिया गया है कितना 37 डिग्री। और ये जो बीट है इसका मास है कुछ m, m को आप भले ही 1 किलोग्राम मान लो, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। यहां से मैंने रिंग को रिलीज किया, रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। तो हमें पता करना है फाइंड द velocity acquired by the ring when a spring passes through the vertical position. When a spring passes through the vertical position. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम, कहां से कहां तक लगा दें? इस पॉइंट को इनिशियल मान लेते हैं ए, और जब ये इधर आ जाता है तो उसको फाइनल मान लेते हैं बी, तो ए से बी तक लगा देंगे। Work done by all forces equal to change in kinetic energy. अब all forces में क्या क्या आ रहा है? Gravitational force है, उस rod का normal force है और spring force equal to half mv square minus zero, शुरू में तो zero, mg का work zero हो जाएगा, normal का work भी zero हो जाएगा, spring force का work कैसे लिखेंगे? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए को लिख दो 100 न्यूटन पर मीटर इनटू एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखिए, मान लो इस पॉइंट को आप ओ नाम दे दो, तो लुक एट ट्राइंगल ओ ए बी,
इनिशियली कितना इलोंगेशन है स्प्रिंग में, ये निकालने के लिए इनिशियली स्प्रिंग की लेंथ कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, मतलब ओए की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं cos 37 इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OA। इसका मतलब OA की वैल्यू आ गई OB अपॉन cos 37। OB कितना है 20, cos 37 कितना है 4/5। तो OA की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब इनिशियल इलोंगेशन को कितना लिखेंगे बोलो बच्चों? 15 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ से कंपेयर करना पड़ेगा, नेचुरल लेंथ हमें क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो इनिशियल इलोंगेशन को लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब फाइनली भी कुछ इलोंगेशन रहेगा क्या? हाँ सर। फाइनली वो बी पॉइंट पे आएगा, नेचुरल लेंथ तो 10 सेंटीमीटर ही है, तो फाइनली भी 10 सेंटीमीटर तो इलोंगेशन का उसके रहेगा ही। ये वैल्यूज को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आ जाएगा 100 एक्स इनिशियल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर को 0.25 मीटर ऐसा लिखेंगे तो 0.25 का स्क्वायर माइनस फाइनल इलोंगेशन, तो वो 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 और 0.25 का स्क्वायर मतलब कितना होता है बेटे? इसको 25/100 लिख दें तो 100 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 15 आएगा ना अंदर किधर बेटे? अरे हाँ यार 15 आएगा, सॉरी 0.15 आएगा। तो 225 माइनस 100 ऐसा आ जाएगा क्या? हाँ सर। दैट इज वी स्क्वायर, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 225 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाता है बेटे? 125। और 125/100 का रूट आपको लेना है तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125/10। 25 × 5 तो 5√5/10 ऐसा, या √5/2 मीटर पर। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा वैसे अगर ये सोचा जाए कि रिंग कहां तक जाकर के रुकेगी फाइनली, तो क्या आंसर होगा इस? क्या हम बोल सकते हैं कि वापस 37 डिग्री तक ही जाकर के रुकेगी? हाँ सर। हाँ सर। भाई बेसिकली आपने क्या करना है, रुकने का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जीरो हो गया। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जीरो करने के लिए इनिशियल इलोंगेशन इक्वल टू फाइनल इलोंगेशन, तो जितना इनिशियल स्ट्रेच है उतना ही बाद में भी स्ट्रेच हो जाए, ऐसा करना पड़ेगा आपको, तो उससे आपको पता चल जाए। कई बात समझ में आ रही है? तो वो 37 डिग्री तक जाएगा, फिर वापस ए तक आएगा, ऐसा सिलसिला लगातार चलता जाएगा, तो इट विल कीप ऑसिलेटिंग। उसको SHM तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन क्या जरूर बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेट तो करता ही रहेगा बच्चों। ये बात सुन में आती है?
इट विल कीप ऑसिलेट इनफाइनाइट टाइम तक करता रहेगा। भाई कोई ऐसा फोर्स है ही नहीं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इसकी को कम करे। देयर इज नो सच फोर्स जो कि क्या कर रहा है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी को कम कर रहा है बेटे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑसिलेट करता ही रहेगा, मतलब परमानेंटली रेस्ट पे तो कभी नहीं आ पाए। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये बेसिकली इस तरह से आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और भी वर्क एनर्जी थ्योरम के यूजेज होते हैं। अच्छे अच्छे देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मान लो हमें दिया जा रहा है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका 30 डिग्री है और एक स्प्रिंग यहां पर बंधी हुई है, ये एक ब्लॉक। और ब्लॉक की स्प्रिंग से दूरी दी हुई है कितनी, 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पोजीशन से हम ब्लॉक को रिलीज करते हैं, है ना। ये ब्लॉक क्या करता है, स्प्रिंग की तरफ जाता है, स्प्रिंग को 40 सेंटीमीटर अमाउंट से डिस्प्लेस करता है, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। Compresses the spring by 40 centimeters and then rebounds a length of 3 meters on the incline. Rebounds the length 3 meters on the incline. तो हमें पता क्या पता करना है, find the spring constant of the spring. इस ब्लॉक का कुछ मास हम मान लेते हैं, मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास है कुछ 4 किलोग्राम। लेट मास ऑफ द ब्लॉक बी इक्वल टू कितना, 4 किलोग्राम। ये इधर जाता है 4.6 मीटर, ये 4.6 मीटर, फिर 40 सेंटीमीटर और कंप्रेस करता है और फिर वहां से कितना रिबाउंड करता है, 3 मीटर रिबाउंड करता है, इतना ही जाता, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती, पूरा एंड तक नहीं जा पाता, 3 मीटर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाता, रिबाउंड्स अप टू ए लेंथ इतना, मतलब वहां पे जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाती। तो हमें पता करना है, ट्राई कर सकते हो बच्चों इसको? हाँ सर। बिफोर यू ट्राई दिस, पहले मुझे एक चीज बताओ, ये इंक्लाइन प्लेन के बारे में कोई और जानकारी आपको कलेक्ट कर पा रहे हो क्या, कि ये स्मूथ है या रफ है? दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है,
यहां से सोचना चालू करो, फिर आपका सही आंसर आएगा। करिए, ट्राई कीजिए इसको। बेटे लॉजिक समझ में आया कि इंक्लाइंड प्लेन रफ है? हाँ सर, है ना। अगर रफ नहीं होता, स्मूथ ही होता, तो ये ब्लॉक वापस 5 मीटर तक ही रिबाउंड करता ना, 3 मीटर पे जाकर के क्यों रुक जाता। तो ये रफ। तो अब आपके पास दो वेरिएबल खड़े हो गए इस क्वेश्चन में, एक तो के जो पूछा ही है, दूसरा क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करें, देखो आपके पास ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। क्या इन तीनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो है? क्या ए पॉइंट से छोड़ें वेलोसिटी जीरो, बी पॉइंट क्या है स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन तो वहां पर जीरो, और फिर 3 मीटर तक रिबाउंड करता है सी पॉइंट तक तो वहां भी वेलोसिटी जीरो। अब हम क्या करें, इनमें से दो दो पॉइंट चुन करके उस पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, अप्लाई पहले ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना।
यार ये 30 डिग्री की जगह अगर मैं इसको 37 डिग्री ले लूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में किस किस का वर्क आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के नाम पे तो जीरो ही आ जाएगा। ग्रेविटी का कितना वर्क आ जाएगा? एम जी साइन 37 इंटू 5, क्या ऐसा आ जाएगा? टोटल 5 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना बेटा, 4.6 मीटर प्लस 0.4 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या नेगेटिव होगा क्या? फ्रिक्शन लगेगा म्यू एम जी कॉस 37 और वर्क लिखना है तो उसको भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखेंगे हाफ के तो पता करना है, एक्स इनिशियल तो जीरो था, एक्स फाइनल तो 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई बेटे? एम की वैल्यू पुट कर दे 4, जी इज 10, साइन 37 इज 3/5 इंटू 5 माइनस म्यू 4 × 10 इंटू 4/5 इंटू 5 माइनस हाफ के इंटू 0.4 का स्क्वायर तो 0. दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 160 म्यू माइनस के इंटू 0.08, ये बराबर है जीरो। ये एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाए बच्चों? हम वर्क एनर्जी थ्योरम अब की बार ए से सी तक अप्लाई करें। देखो ए से सी तक जब वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करोगे बच्चों तो एक बात बताओ, जैसे ब्लॉक ने क्या किया, यहां तक जाने के बाद स्प्रिंग के संपर्क में आया, स्प्रिंग को 40 सेंटीमीटर और दबाया, जब वापस इस पॉइंट तक आएगा तो यहां पे आने के बाद स्प्रिंग से कांटेक्ट छोड़ देगा क्या? और फिर इसके बाद वो अकेला ही जाएगा? हाँ सर, है ना। तो क्या है बेटे कि जब ये ब्लॉक इस सी पोजीशन पे आएगा ना तो स्प्रिंग यहीं पे आ जाएगी, वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे रुकी रहेगी। तो जब हम ए से सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे उसमें लिखेंगे वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो अगेन जीरो ही रहेगा। तो वर्क डन बाय एमजी कैसे लिखेंगे? देखो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या 2 मीटर ही हुआ है अलोंग द इंक्लाइन? 5 मीटर नीचे आया, 3 मीटर वापस ऊपर चला गया, तो 2 मीटर का ही नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एमजी साइन 37 इंटू 2 करना होगा। क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग जीरो हो जाएगा बेटे? क्योंकि जब ए पे था तब भी कोई स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन नहीं था, जब सी पे पहुंचा वापस 3 मीटर रिबाउंड होकर के तब भी कोई डिफॉर्मेशन नहीं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 2 ऐसा आ जाएगा? नहीं,
इंटू एट। बोलिए भाई ऐसा क्यों? देखो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो 5 मीटर तक फ्रिक्शन लगेगा और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 5, ठीक है। और जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा बच्चों, जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तब भी फ्रिक्शन नीचे लगने लग जाएगा तो फिर नेगेटिव वर्क करेगा माइनस म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 3, तो टोटल वर्क डन माइनस म्यू एम जी कॉस 37 इंटू 8 ऐसा हो जाएगा। और ये जीरो के बराबर है, एम जी से एम जी कैंसिल होता है तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 3 बाई 5 इक्वल टू कितना, 8 इंटू 4 बाई 5 इंटू म्यू। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो म्यू की वैल्यू 3 बाई 16 आ गई ना बच्चों। और एक बार म्यू 3 बाई 16 आ गया, आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो तो के की वैल्यू पता चल जाएगी, के आ जाएगा कितना, 120 माइनस 160 इंटू म्यू, म्यू को लिखेंगे 3 बाई 16 इक्वल टू 0.08 के। तो ये 120 में से 30 गया तो 90, तो 90 इज 0.08 के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 9/8 इंटू 10^3 ऐसा आ जाएगा। इतना न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क डन बाय स्प्रिंग जीरो क्यों हुआ बेटे, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, स्प्रिंग का इनिशियल डिफॉर्मेशन भी जीरो था, फाइनल डिफॉर्मेशन भी जीरो था। इनिशियली जब छोड़ा तो नेचुरल लेंथ में थी, कांटेक्ट में आया, कंप्रेस किया, वापस उछला, तो जब वापस उछलेगा तो पहले 40 सेंटीमीटर तो स्प्रिंग के कांटेक्ट में रहेगा, लेकिन उसके बाद तो स्प्रिंग वही रह जाएगी, अकेला ब्लॉक ही, बाकी का डिस्टेंस ऊपर जाएगा जो 2.6 मीटर की है, 3 में से 40 सेंटीमीटर स्प्रिंग के कॉन्टेक्ट में रहा, बाकी 2.6 मीटर तो अकेला ही जाएगा ना। तो सी पॉइंट तक जब पहुंचा उस स्टेट को देखो आप, तो नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग अपनी। वर्क डन बाय नॉर्मल क्यों नहीं लिए, अरे भाई वर्क डन बाय नॉर्मल ले लो, आपको कौन रोक रहा है, जीरो ही आएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल तो अपने को पता ही है ना यार, वो क्या है, वो दिख रहा है जीरो ही आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ दिया। वो mg sin 37 into 2 क्यों किया है, 3 आएगा ना सर। ए से सी तक का टोटल वर्क डन लिखना है आपको, है ना, ए से सी तक का टोटल वर्क डन। तो ए से बी आए तो 5 मीटर नीचे गया, और फिर बी से सी गए तो 3 मीटर ऊपर गए, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर नीचे हुआ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो आप सीधे सीधे नेट डिस्प्लेसमेंट से लिख देते हो ना, बीच की चीजों की अलग करके नहीं कर सकते, अलग अलग करके भी कर सकते हो, वही आएगा। नीचे जाते समय पॉजिटिव लेना पड़ेगा mg sin 37 into 5, और ऊपर जाते समय नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस mg sin 37 into 3। तो सर उससे अलग आ रहा है, अलग कैसे, आप 5 माइनस 3 2 ही तो आ रहा है। इसको देखो ना भैया, ये एक्सप्रेशन क्या 5 माइनस 3 होके 2 नहीं हो जाएगा क्या, कैसे किया तुमने, फोटो भेजो मेरे को, मैं गलती पकड़ता हूँ अभी तुम्हें। समझ में आ रही है बात बच्चों, क्लियर है ये,
हाँ सर ओके तो ये बेसिकली कुछ सिनेरियोज में वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन है ना। अब देखो अब हम बात करते हैं किसकी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटे कुछ फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनका वर्क डन इन अ क्लोज पाथ is always zero. पार्टिकल को कैसे भी मूव करवाओ, किसी भी क्लोज पाथ में मूव करवाओ, उनका वर्क डन क्लोज पाथ में हमेशा जीरो आए। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इनफैक्ट एनी सेंट्रल फोर्स, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिनका क्लोज पाथ में भी कुछ वर्क आ जाता, जैसे फ्रिक्शन फोर्स में भी स्पेसिफिकली कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन या एयर ड्रैग, इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अब इनका देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में मुख्य अंतर क्या आता है कि इवन व्हेन दीज कंजर्वेटिव फोर्स डू नेगेटिव वर्क, और नेगेटिव वर्क करने का मतलब क्या है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को कम करना, पॉजिटिव वर्क करने का मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। तो जैसे आप कुछ सिनेरियोस कंसीडर करो, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर केस ऐसा है कि एक ब्लॉक है, इसको अपन ने यू वेलोसिटी दी, इसका मास एम, ठीक है, और कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, उसी तरह से क्या है, एक एम मास का पार्टिकल स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, और इसको भी मैंने कुछ वेलोसिटी, और तीसरा सिनेरियो क्या है, तीसरा सिनेरियो ये है कि मैंने एक एम मास के ब्लॉक को रफ सरफेस पर यू वेलोसिटी, एक बात बताओ क्या तीनों की ही थोड़े टाइम में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या, बोलिए बच्चों, क्या
क्या थोड़े टाइम में तीनों की ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? बोलिए भाई। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब किसी ना किसी फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है। पहले वाले केस में किस फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया? ग्रेविटेशन। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय ड्यू टू नेगेटिव वर्क ऑफ mg। इस इधर काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू नेगेटिव वर्क ऑफ क्या? स्प्रिंग फोर्स। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रही है? फ्रिक्शन के नेगेटिव वर्क की वजह से यहाँ काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात हाँ सर। एक में एमजी ने नेगेटिव वर्क किया, एक में स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, एक में फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क किया। वर्क एनर्जी थ्योरम तो तीनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कहता। वो कहता भैया नेगेटिव वर्क करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सीधा सा हिसाब किताब है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। लेकिन पता है हम सोचते हैं कि यार कुछ अंतर तो है। क्या अंतर है? पहले और दूसरे केस में क्या होगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते समय कम हुई है, क्या उतनी ही नीचे आते समय एग्जैक्ट सेम अमाउंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मतलब इन केस वन, बाय द टाइम पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इज इट गोइंग टू हैव द सेम स्पीड विद विच इट वॉज थ्रोन? क्योंकि टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर जाके नीचे आने में टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा? जीरो। सेकंड वाले केस में स्प्रिंग को इलोंगेट किया, वेलोसिटी जीरो हो गई। जब वापस स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी, क्या फिर से इसकी स्पीड यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वाई? बिकॉज वर्क डन बाय स्प्रिंग इज जीरो इन राउंड। लेकिन क्या फ्रिक्शन के केस में ऐसा हो पाएगा बच्चों? क्या फ्रिक्शन के केस में ऐसा हो पाएगा? नहीं सर, फ्रिक्शन केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी एक बार गई, अब वो गई, अब वो वापस लौटा पाने में सक्षम नहीं। फ्रिक्शन इज नॉट केपेबल इन रिटर्निंग बैक द एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ब्लॉक, वेयर एज स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर केपेबल। तो हम क्या कहते हैं कि देखो, जब इस तरह के फोर्सेस नेगेटिव वर्क करते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम हो जाती है। लेकिन हम उसको ये उसको मतलब लॉस वॉस के टर्म्स में बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई क्या हुआ है, वो किसी और मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और किस मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा, तो हम उसको एज ए नेगेटिव कहने से क्या है, एक नेगेटिविटी की फील आती है। मतलब लगता है कि कुछ चला गया अपना, कुछ नुकसान हो गया। वो कहते हैं साहब कोई नुकसान नुकसान नहीं। जैसे आप तुम दो दो बातें समझो कि क्या है, आपने आपके पास कुछ पैसे है, आपने उन पैसों से क्या किया, एक तो ये है कि कुछ बैंक में जमा करा दिया, उसकी आपने एफडी करा, और एक पैसा है कि साहब आपने गए और कहीं पर ऐसे ही उसको खर्चा वर्चा कर दिया। तो या मान लो कुछ नुकसान हो गया, कुछ चोरी हो गया, तो टेम्पररीली तो दोनों का रिजल्ट एक ही लग रहा है कि यार पैसे तो वहां भी गए, यहाँ भी गए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। उधर से आप वापस ला सकते हो,
यहां से आप वापस नहीं ला सकते। क्यों भाई, क्या बात समझ में आती है? तो काइनेटिक एनर्जी कम तो हो रही है, लेकिन जहां से वापस आ सकती है तो हम उसको कहते हैं कि व्हेनेवर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ए सिस्टम डू नेगेटिव वर्क, एक मिनट रुको, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। Whenever internal conservative force of a system do negative work, हम क्या कहते हैं? We say that kinetic energy has been converted into potential kinetic energy has been converted into potential energy. ये बात समझ में आते हैं बेटे? हम ये नहीं कहते kinetic energy का loss हो गया, हम क्या कहते हैं? Kinetic energy जितनी कम हुई है एग्जैक्ट उतने अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। कब? जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से? कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। और ये हम इस विश्वास से पे कहते हैं, इस विश्वास पे कहते हैं, किस विश्वास पे? कि ये फोर्स केपेबल है जब पार्टिकल वापस ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, उसका राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो हो जाएगा, यानी वापस से इसको काइनेटिक एनर्जी मिल की फॉर्म में ही एनर्जी मिल जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की क्या परिभाषा दी जाती है बेटे? यू सिंबल से डिनोट करते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू negative of work done by negative of work done by internal conservative force of the system. क्या ये बात समझ में आती? जितने भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उन सब के करस्पॉन्डिंग हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे अगर आपको चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो, तो ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या माइनस mg डेल्टा h के बराबर होगा? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस mg डेल्टा h. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर हमको लिखनी, तो वो आएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, नेगेटिव ऑफ हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल. ये ऐसा, क्या ये बात समझ में आती? हाँ सर. अच्छा, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफाइन करने के लिए क्या है, किसी एक पोजीशन को रेफरेंस मानना पड़ेगा, ये अज्यूम करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि साहब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो. एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का वैसे कोई खास महत्व नहीं होता, महत्व चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ही होता है ना. लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी ही है, उसी में आपको अच्छा लिखता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ ए सिस्टम इन मूविंग द सिस्टम फ्रॉम reference position to present position. reference position to present position. ये बात समझ में आती है? मतलब आपको यदि किसी r position पर potential energy लिखनी है, तो वो किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू आर पोजीशन. रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? रेफरेंस पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अज्यूम्ड टू बी जीरो. Is a convenient position where potential energy of a system is assumed to be zero. उसको zero मान लिया जाता है, होती नहीं है, मान लिया जाता है आपके convenience के अनुसार. क्या ये बात क्लियर है बच्चों? हाँ सर. जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग के लिए क्या करते हैं, फॉर स्प्रिंग वी अज्यूम
नेचुरल लेंथ एस रेफरेंस पोजिशन. तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ से किसी भी एक्स लेंथ एक्स डिफॉर्मेशन तक जाने में हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग की क्या वैल्यू, हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे. लेकिन ध्यान दो, इसमें हमने क्या किया हुआ है, नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना हुआ है. अगर नेचुरल लेंथ पर जीरो है तो एक्स डिफॉर्मेशन, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला यूज करेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो उसको क्या लिखेंगे, एम जी एच. एम जी एच क्या है, एच क्या है, मान लो कोई पोजीशन रेफरेंस पोजीशन है तो एच क्या है, हाइट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन. ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पार्टिकल ऑफ मास एम एट हाइट एच अबव रेफरेंस पोजिशन. रेफरेंस पोजिशन से एच हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाती है. रेफरेंस हाइट से एच हाइट नीचे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस एच, क्योंकि वहां से एच हाइट नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन प्लस एमजीएच हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा तो माइनस एमजीएच. ऊपर जाओगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस एमजीएच हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एमजीएच विल बी प्लस एमजी. क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर. फिर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लिखना तो ये बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक. और देयर इज अ प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इफ ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम then mechanical energy of the system remains conserved. Mechanical energy of the system remains conserved, है ना.
दैट इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो. That means change in potential energy plus change in kinetic energy is. ध्यान दो बेटे, this law is different from law of conservation of energy. Law of conservation of energy तो क्या कहता है? Energy is conserved. It can neither be created nor be destroyed. Can only be converted from one form to another. यहाँ हम law of conservation of energy की बात नहीं कर रहे हैं. वो एक unconditional statement है. Always true. यहाँ हम सिर्फ कौन सी energy की बात कर रहे हैं? Mechanical energy. है ना? तो ये कहता है कि अगर सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होंगे तो क्या होगा भाई? जब आपकी वो फोर्सेस नेगेटिव वर्क कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगी. और जब वो पॉजिटिव वर्क कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को कह देना उतनी अमाउंट से कम हो गई है. इनका सम तो कॉन्स्टेंट रहे. क्या ये बात समझ में आती है? Decrease in potential energy equal to exact उतनी amount से kinetic energy बढ़ी, या increase in potential energy equal to decrease in kinetic, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं potential energy plus kinetic energy का sum जो है वो constant. यही तो होती है मैकेनिकल एनर्जी. ये ऐसा नहीं है कोई यूनिवर्सली ट्रू लॉ नहीं कि भाई हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा. कंडीशन है. क्या कंडीशन है? अगर सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आ गया, एयर रेजिस्टेंस अगर आ गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर किसी टाइप के आ गए, तो फिर ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बच्चों. क्या ये बात समझ में आती है? देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से क्या है, जिस क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो उसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? है ना? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एक तरह का सबसेट हो गया किसका? ऑफ द अम्ब्रेला वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम से तो सारे क्वेश्चन में ही लगा सकते हो आप, ठीक है? लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की जहां तक बात है तो वो आप अंडर सर्टेन कंडीशन ही लगा सकते हैं. क्या कंडीशन है? कि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही सिर्फ वर्क करने चाहिए. समझ में आई बात बच्चों? अच्छा, इसमें अगर मान लो आपको कभी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बढ़ानी हुई तो वो कैसे बढ़ाओगे? किसी एक्सटर्नल फोर्स के वर्क से बढ़ेगी, है ना? अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि यार एक ये एम मास और एल लेंथ की रॉड है, इसकी ग्राउंड सरफेस पे ये वर्टिकली खड़ी हुई है, ग्राउंड सरफेस को रेफरेंस मानना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड क्या होगी ये लिखना, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द MgL by 2
MgL by 2. Yes, that is correct. MgL by. कैसे? देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स जो का जो कुछ ना कुछ मास तो है ही, क्या वो सबके सब सेम हाइट पे हैं क्या बच्चा? डिफरेंट पार्ट्स आर एट डिफरेंट, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए, dx विड्थ का आपने एलिमेंट लिया, इसका मास हो जाएगा m बाई l इंटू dx, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस छोटे से एलिमेंट की, एम जी एल, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसको अगर जीरो से एल तक इंटीग्रेट करते हैं तो क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मतलब एम जी बाई एल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल, तो ये कितना आ जाएगा एल स्क्वायर बाई टू एम जी एल बाई टू, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या ये बात समझ में आती? बोलिए भाई। हाँ सर। मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, लार्ज साइज के अगर ऑब्जेक्ट हैं तो आप क्या कर सकते हो, अगर यही रॉड मान लो हमने किसी थीटा एंगल पे रख दी होती, m मास l लेंथ की, तो हम क्या करते पूरे मास मतलब mg into height of इसका सेंटर लिख देते, तो ये टोटल लेंथ l है, सेंटर की डिस्टेंस l by 2 हो जाएगी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी l by 2 sin, तो ये हो जाएगा mg l by 2 sin, क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सेंटर ऑफ मास की भी जरूरत पड़ेगी, कि अगर क्या है आपसे कोई यूं कहे कि यार एक वायर है उसको मैंने क्या कर दिया सेमी सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया, किस फॉर्म में बेंड कर दिया बेटे, सेमी सर्कल की फॉर्म में, आर रेडियस का सेमी सर्कल है, एम मास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो क्या, ये रेफरेंस है, तो आप उसको क्या लिखोगे एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2r बाई पाई के बाद, क्या ये बात समझ में आती है? सर ये 2r बाई पाई कैसे आया, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के बराबर, है ना, ये कैसे आया सा, ये अपन सेंटर ऑफ मास अब पढ़ने ही वाले हैं, तो सेंटर ऑफ मास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो अभी अपन यहीं पे इसको रोकते हैं, बाकी अगली क्लास में हम सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे, उससे आगे सर, हाँ बोलो बेटा, सर आप पीडीएफ भेजोगे? हाँ ओके।